नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। सैकड़ों वर्ष से चली आ रही परंपरा का विधिवत रूप से हुआ आयोजन। होली की तीज पर आयोजित होने वाला हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हुआ मेले का आयोजन। बता दें कि फिरोजाबाद में 250 वर्ष पुराने फूल मेले का आयोजन हुआ। सदर विधायक, सपा पूर्व MLC, भाजपा के वरिष्ठ नेता सहित तमाम समाज सेवी, शिक्षण संस्थानों से जुड़े लोग मौजूद रहे। क्षेत्रीय जनों के साथ आसपास के मोहल्लों के लोग एवं छोटे छोटे बच्चों ने आनंद लिया। सदर विधायक मनीष जीजा के साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व MLC रहे डॉक्टर दिलीप यादव ने मेले का फीता काट कर शुभारम्भ किया। साथ ही मेले में पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता राम कैलाश यादव ने कार्यक्रम के आयोजन के दौरान समाज के बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ने का दिलाया संकल्प। स्टेशन रोड स्थित मोहल्ला कोटला में आयोजित होने वाले फूलडोल मेले में दिखी रौनक। पूर्व विधायक स्वर्गीय राजा राम की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान क्या कहा वक्ताओं ने, देखिए रिपोर्ट। और हमारे बीच में बैठे श्री अरुण यादव जी का माला और साफा पहना, लोगों का भरपूर सम्मान। फूल डोल मेला 250 वर्ष पुराना है कोटला मोहल्ला में, और ये राजा राम यादव जी इसी मोहल्ले के विधायक दो बार रहे, स्वर्गीय रामकिशन दादा जी इसी मोहल्ले से विधायक रहे, तो हमारे फिरोजाबाद में इस कोटला मोहल्ले की अलग पहचान है। तो मैं यहाँ के जितने मेला कमेटी के पदाधिकारी अनिल यादव और उनके साथी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। पुरानी परंपरा को उनने जीवित रखा है और हर साल पुरानी परंपरा एक अच्छे स्तर से कराई जा रही है, इसीलिए कोट कोट धन्यवाद और बधाई। और आगे सभी लोगों से, सभी टीम से कहूंगा, आगे हर साल जैसा मनाया जा रहा है बहुत अच्छा मनाएं, एक भारतीय संस्कृति का यहाँ और संदेश देने का काम करें, हमारे बच्चों में, पीढ़ियों में एक शिष्टाचार पैदा हो, जिससे आगे हमारे फिरोजाबाद में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, ऐसे आयोजन होते रहे, इससे उन बच्चों को पूरी तरह से सर्वांगीण विकास होने में एक मदद मिले। आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा, अनिल यादव को, उनके साथियों को, सबको, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया और पूरे मनोयोग से कराया, सभी लोग आए और सभी लोगों ने यहाँ समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये फिरोजाबाद के सबसे प्राचीन उत्सवों में से एक उत्सव है। लगभग 250 वर्ष पुराना ये कोटला मोहल्ला में लगने वाला फूल डोल मेला है, जो होली के तीज पर लगता है। इस पर सभी समाज के लोग, परिवार, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सब लोग मिलजुल कर खुशियां मनाते हैं। और ये विशेष इसमें जो दो तीन बातें हैं, उसमें एक तो बात ये है कि फिरोजाबाद के सर्वाधिक प्राचीन मेलों में से एक है। दूसरा, इस मेले की जो लंबी भूमिका है, उसमें फिरोजाबाद के यशस्वी दो बार के विधायक पूज्य राजा राम MLA साहब ने भी बहुत बड़ी गति दी थी। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे प्राचीन और आनंद देने वाले परंपरा युक्त ऐसे मेले पर हम सब लोग जुड़ते हैं। शहर के सब लोग बिना किसी जाति के, बिना किसी राजनीतिक सोच के, सब लोग एक मंच पर इकट्ठे होते हैं और खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम और स्नेह का आदान प्रदान करते हैं। ऐसे मेले और ऐसे मेले के आयोजकों के प्रति मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। विशेषकर सम्मानित मीडिया को भी मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से इस मेले का जो प्रसार प्रचार होता है, उससे भी लोगों के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनको पता लगता है कि शहर में इतना प्राचीन मेला भी है जो आज भी लगातार चल रहा है। इससे जुड़े लोग सादगी के साथ, प्रेम के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए इस मेले का आयोजन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।